हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता चैनल नाम नॉलेज पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है 2020 वाला, तो उसका एडमिट कार्ड जो है जारी हो गया है और आप सभी इसका एडमिट कार्ड जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 का जो कैसे करना होगा वो आपको मैं अभी ये इस वीडियो में आप बताता हूँ। तो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो है गूगल खोलना होगा, इंटरनेट, इसमें आप sarkaririzult.com जो है खोलेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने sarkaririzult.com खुला हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट लगेगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने sarkaririzult.com खुल चुका है और इसमें एडमिट कार्ड वाले जो सेक्शन है इसमें सामने आपके है, इसमें दिया हुआ है यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2021 पे आप क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने सबसे ऊपर है दिया हुआ है, क्लिक करेंगे हम इस पर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देख सकते हैं ये खुल चुका है और इसमें जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, ये आपका ऐसा इंटरफेस कुछ दिखाई देगा। तो इसमें आप दो तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन आईडी अपना डाल के या फिर आप रोल नंबर अपना डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आईडी पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने एक पेज खुलेगा इस तरह से, जिसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर डालेंगे, देख सकते हैं आपके सामने है, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, डेट मंथ ईयर, और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आप भरेंगे देख करके, और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2021 का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, अच्छे से तैयारी करें और अपना परीक्षा अच्छे से दें और सेलेक्शन पाएँ, यही मेरा उद्देश्य है चैनल राम नॉलेज पॉइंट का। और दोस्तों, चैनल राम नॉलेज पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप सभी को जो ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट हैं एग्ज़ाम से जुड़े और जॉब से जुड़े वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और चैनल राम नॉलेज पॉइंट को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों का इसमें बेनिफिट मिल सके आप सभी को समय से। तो तब तक के लिए मैं राहुल कुमार गुप्ता आप सभी से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।